हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए, और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्री व्यू कंट्रोल। ट्री व्यू कंट्रोल, इससे पहले की क्लास में हमने जो है वो लिस्ट व्यू कंट्रोल हमने पढ़ा था। लिस्ट व्यू कंट्रोल क्या होता है, उसको हम फॉर्म पर कैसे बनाते हैं, उसका पूरा पूरी कोडिंग मैंने आपको समझाई थी। तो वैसे ही आज हमारा है ट्री व्यू कंट्रोल। ये भी हमारा एक कस्टम कंट्रोल होता है, ये भी हमें टूल बॉक्स पर डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट अपीयर नहीं होता है, और उसको भी सेम तरीके का वही प्रोसेस होता है जो हमने सारे कस्टम कंट्रोल हम फॉर्म पे लेके आते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ट्री व्यू कंट्रोल होता क्या है। देखिए, द ट्री व्यू कंट्रोल इज यूज्ड टू डिस्प्ले हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स सिमिलर टू द वे द फील्ड फाइल्स and folders are displayed in the left pane of the Windows Explorer. Each node may contain one or more child nodes. इसका क्या मतलब होगा? देखिए, आप जब भी कभी माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो माई कंप्यूटर को खोलने से पहले आपको डेस्कटॉप दिखाई देता है। डेस्कटॉप पे सबसे नीचे आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करके सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं, और जो है सिस्टम की जो मेन फाइल्स हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। तो अब हम ट्री व्यू हम कैसे देखें, ट्री व्यू मतलब इसका एक एग्जांपल को हम कैसे देखें, तो क्या करना है आपको, जो हमारा स्टार्ट बटन है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर वहां पे आपका ऑप्शन जो आपका शो होगा वो आपका होगा विंडो एक्सप्लोरर का, यानी एक्सप्लोरर का ऑप्शन खुला आपका लिख के आएगा। एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करेंगे तो विंडो एक्सप्लोरर आपका ओपन होके आएगा। विंडो एक्सप्लोरर फिर आप देखेंगे कि वहां पे कई सारे फोल्डर्स होंगे, फोल्डर के भी सब फोल्डर होंगे। आप वहां देखेंगे कि विंडो एक्सप्लोरर में आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक व्यू आएगा जिसको हम ट्री व्यू बोलते हैं। ट्री व्यू में प्लस और माइनस के साइन बने होते हैं। प्लस का साइन का मतलब जैसे कि सपोज दैट मान लो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर हमारा क्या हुआ, हमारी मेन कैटेगरी हो गया। अब हार्डवेयर में क्या हो गया, नीचे आपका सीपीयू हो गया, ठीक है ना, फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऐसे ही ये जो तीनों है फिर इनके भी फिर मतलब और भी बहुत सारे मतलब सपोज सीपीयू में कौन से पार्ट्स हैं, इनपुट कौन से डिवाइस है, आउटपुट कौन से डिवाइस है। तो एक व्यू को जो है प्लस प्लस करके जनरेट करना और उसके फिर सब व्यू को जनरेट करना, ये हमारा ट्री व्यू कहलाता है। ट्री व्यू को हम जो है कोडिंग से समझने की कोशिश करेंगे। विजुअल बेसिक में हम ट्री व्यू हम कैसे बनाते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा ट्री व्यू कंट्रोल है उसको लाने का सेम वही तरीका है जैसे और जो कस्टम कंट्रोल लेते हैं। कैसे लेते हैं कि जो हमारा टूल बॉक्स है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स की जो विंडो खुल के आएगी उसको हम नीचे ड्रैग करेंगे, उसको हम नीचे खींचेंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉमन कंट्रोल्स 6.0 SP6। उसके चेकबॉक्स को हम करेंगे, चेकबॉक्स को टिक करेंगे और ओके अप्लाई करेंगे। ओके और अप्लाई जैसे ही हम करेंगे तो आपके टूल बॉक्स में एक ट्री व्यू कंट्रोल आपको अपीयर होगा, उस पर हम डबल क्लिक करें या उसको ड्रैग करके हम फॉर्म पे लेके आएंगे। जैसे ही हम फॉर्म पे लेके आएंगे तो फॉर्म पे आपको कुछ इस तरीके से आपको ये कंट्रोल दिखाई देगा। कंट्रोल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा सा हम खींचेंगे तो वो इस वे में आपको दिखाई देगा। सैंपल नोड और फिर इसकी फिर सैंपल नोड, फिर सैंपल नोड, ये हमारा जो है बाय डिफॉल्ट व्यू दिखाई देता है ट्री व्यू कंट्रोल का। चलिए, तो ट्री व्यू कंट्रोल को हम कैसे बनाएंगे। सपोज दैट जैसे कि मान लो जो सबसे ऊपर की जो नोड होती है, मान लो ट्री है, जैसे ट्री में आपने जो है बाइनरी ट्री आपने पढ़ा होगा, एक मेन नोड होती है फिर उसके बहुत सारी नोड्स होती हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या है, जैसे मान लो हमें इसमें क्या करना है कि हमारी जो मेन नोड है, मेन नोड को हम विजुअल बेसिक में कैसे बनाएंगे, फिर उन नोड्स में हम कैसे आइटम्स को ऐड करेंगे, और फिर जो जिस मेन नोड पे हमने आइटम्स में ऐड कराया तो आइटम्स में सब आइटम्स को हम कैसे ऐड करेंगे, ये हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग करने से पहले हम ये जान लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे। जो हमारा फॉर्म है, क्योंकि हमारा फॉर्म पर ही हमने जो है हमारा इसको बाय डिफॉल्ट जब हम इसकी प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे तो ट्री व्यूवर इसके कैप्शन में लिख के आएगा। ट्री व्यूवर इसके कंट्रोल का नाम है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म पर हम लोड इवेंट लेंगे, क्या लेंगे, फॉर्म पर हम लोड इवेंट लेंगे या फॉर्म पर हम डबल क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा प्राइवेट सब फॉर्म लोड, ये हमारा बाय डिफॉल्ट लिख के आता ही है। फिर हमने क्या किया, देखो DIM क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। डिम एनडीडी, एनडीडी क्या है, वो एक हमारा डिम हमारा डेटा टाइप हो गया, एनडीडी एक वेरिएबल है जिसके हम अंदर हमने
नोड को एज ए डिक्लेयर किया है। तो ऐसे हमने सेट कमांड है हमारी, सेट कमांड को सेट एंटिटी जो हमने यहां पे क्या डिक्लेयर, सेट एंटिटी। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा ट्री व्यू 1 यानी कि इस कंट्रोल का नाम ट्री व्यू 1 डॉट नोड्स डॉट ऐड। अब शो शो में जो हमारा क्या नाम है, जो हमारा मेन कंट्रोल होगा, मेन कंट्रोल का जो क्योंकि उससे पहले तो जो हमारा मेन कंट्रोल होगा, तो शुरू शुरू में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन कंट्रोल है इसको हम कहते हैं मास्टर फाइल, इसको हम ब्लैंक करेंगे मतलब कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा कॉमा लगाएंगे, यानी बिकॉज अभी हमने ट्री व्यू 1 में जैसे कि आप यहां देखिए यहां पे मैंने लिया है टीवी डब्ल्यू चाइल्ड, इसका अभी कोई चाइल्ड है नहीं तो उसको भी ब्लैंक करूंगा बिकॉज ये मेरी मास्टर फाइल है, तो ये भी हम इसको भी हम कॉमा करेंगे। अब ये देखो यहां पे मैंने लिखा है कंट्री डबल कोट्स में और यहां भी कंट्री लिखा है, कॉमा दिया है, फिर मैंने कंट्री लिखने के बाद ये दोनों डबल कोट्स में है। दोनों में अंतर क्या है, एक मेरा जो सी है ये स्मॉल है मतलब ये पूरा स्मॉल में है और इसका जो है सी वो कैपिटल में है। कहने का मतलब यह है कि मैं जब केवल इसी सिंगल लाइन को मैं जब लिखूंगा और यहां पे इसके नीचे लिखूंगा एंड सब और जब मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो मेरा फॉर्म पर ये कंट्री लिख के आएगा, यानी कि कंट्री कौन सा कंट्री, ये वाला यानी कि कैपिटल सी वाला है। ठीक है, तो इस ये जो पहले यानी कि ये जो हमारे जो ट्री व्यू है इसके चार पैरामीटर्स होते हैं, मास्टर फाइल हो गया, ट्री व्यू 1 हो गया यानी कि उसके अंदर कौन सी यानी जो चाइल्ड फाइल है, और ये कंट्री यानी इसको हम नेम बोलेंगे या की बोलेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैप्शन हो गया जो हमारे फॉर्म पर विजिबल होता है कोड को रन करने के बाद। ठीक है, और तो जैसे ही मैं इस लाइन को रन कराऊंगा तो फॉर्म पर ये कंट्री लिख के आ जाएगा, ये जो सैंपल 1 है ये हट जाएगा और कंट्री लिख के ये हमारा आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि कंट्री में मैं और भी कई सारे कंट्री के नाम ऐड कराऊं तो क्या करूंगा, उसके लिए फिर मैं कोड क्या करूंगा, सेट एनडीडी ट्री व्यू 1 डॉट नोड्स डॉट ऐड। अब देखो, अब चूंकि मुझे जो है वो कंट्री के नीचे कब कराना है, तो अब चक्कर क्या है कि कंट्री मेरी हो गई यानी ये जो कंट्री ये मेरी हो गई पेरेंट फाइल, अब इसके नीचे मुझे चाइल्ड को मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो कंट्री है ये देखिए आप ये जो है आपके स्मॉल ये स्मॉल कंट्री में यहां लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर कॉमा टीवीडब्ल्यू यानी ट्री व्यू चाइल्ड, क्योंकि अब ये चाइल्ड बनेगा ट्री व्यू चाइल्ड कॉमा इंडिया डबल कोट्स में और फिर कॉमा इंडिया डबल कोट्स में, ये जो इंडिया लिखा है मैंने ये मैंने लिखा है आपका स्मॉल आई और यहां पे मैंने इसको लिया है कैपिटल आई, क्योंकि ये कैपिटल आई वाला ही इंडिया आपके कंट्री में शो होगा। ऐसे ही फिर मैंने इंडिया लिया, ऐसे ही फिर मैंने सेम कोड किया है, मैंने कोई भी नहीं किया, जैसे कि कंट्री आपका यही रहेगा टीवीडब्ल्यू चाइल्ड कॉमा अमेरिका, एक जो है आपका स्मॉल और ये एक अमेरिका जो आपके फॉर्म पर विजिबल होगा। ऐसे ही सेट एनडीडी ट्री व्यू 1 डॉट नोट्स डॉट ऐड कंट्री सी स्मॉल कॉमा टी वी डब्ल्यू चाइल्ड कॉमा जापान जापान का ये छोटा ये बड़ा। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा यहां रखूंगा एंड सब, तो जो है मेरा कुछ इस तरीके से मेरा व्यू आएगा, कंट्री में यहां प्लस का साइन बन के आ जाएगा और प्लस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इंडिया अमेरिका जापान ये तीन कंट्री मेरे इसमें ऐड हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि इंडिया में मैं जो है जो इंडिया में स्टेट्स हैं उनके नाम को मैं ऐड करूं, तो बहुत इजी है हम सेम वही करेंगे। हमने क्या किया कि अब क्योंकि मुझे इंडिया में करना, देखिए इससे पहले जब मैं कंटेंट कर रहा था तो मेरे कंट्री यहां पे जो है इन तीनों में मैंने ये जो तीन लास्ट जो तीन लाइन है इसमें मैंने सी छोटा लिखा था कंट्री, ऐसे ही मैं क्या करूंगा मैं इंडिया छोटा लिखूं, मुझे इंडिया में ऐड करना है इसीलिए मैं इन तीनों में इंडिया को छोटा लिखूंगा, बाकी सेम लाइन वही है और यहां टीवी में चाइल्ड सेम इसी की तरह दिल्ली, क्योंकि अब इंडिया में दिल्ली तो डी का डी दिल्ली का डी ये स्मॉल और ये कैपिटल, ऐसे ही उत्तर प्रदेश और ऐसे ही महाराष्ट्र। तो मैंने क्या किया जो उत्तर प्रदेश ये जो है ये इसको मैंने स्मॉल में लिखा है और फिर मैंने ये यू मैंने कैपिटल में लिखा है उत्तर प्रदेश, ये मैंने लास्ट में पी आर लिख दिया पूरा इसको लिखना उत्तर प्रदेश, ऐसे ही मेरा ये महाराष्ट्र हो गया। और एंड सब लास्ट में मैं इसको एंड सब करूंगा, उसके बाद जब मैं देखूंगा जब इसको रन कराऊंगा रन करने के बाद मेरा फॉर्म पे कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा कंट्री, तो कंट्री में मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये इंडिया मेरा इस तरह मूव हो जाएगा, तो ये मेरा देखो अब इंडिया यहां था इंडिया में जैसे तो यहां पे प्लस का साइन आई है फिर अब यहां पे प्लस का साइन बन के आएगा, जैसे मैं इंडिया पे क्लिक करूंगा तो दिल्ली उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र जो मैंने तीन ये कोड में ऐड करे थे मेरे यहां पे ऐड हो जाएंगे और बाकी की ये दो अमेरिका जापान मेरे यहां इसके नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही मैं अब चाहता हूं कि अमेरिका में मैं जोड़ू तो वैसे ही मैं क्या करूंगा सेम यही तीन मैं लाइन लूंगा और अमेरिका में एक छोटा लूंगा अमेरिका टी वी वन चाइल्ड दिल्ली और जैसे इसमें जो स्टेट्स है अमेरिका में सपोज है जैसे मतलब कैलिफोर्निया हो गया टेक्सास हो गया न्यू जर्सी हो गया तो मैं उसको वैसे ही करके मैं उसको ऐड करूंगा तो एक लिस्ट बनती हुई चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने आज ये टॉपिक फिनिश किया ट्री व्यू कंट्रोल।
स्टूडेंट, इससे पहले भी मैं आपको लेक्चर में मतलब बोल चुका हूं कि जब भी कभी आप मेरा लेक्चर देखें तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ा लें और जो व्यू है आपके YouTube का उसको लैंडस्केप में कर लें ताकि पूरी स्क्रीन पर आए। उससे क्या होगा, मैं बोर्ड पर जो भी कुछ लिख रहा हूं आपको पूरा सब कुछ दिखाई देगा और आप उसको देख के अपने नोट्स बना सकते हैं और अपना सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको करना है स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट करना है और अच्छे से समझना है। तो देखिए, आप जैसे स्टूडेंट जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक मुहिम चली मैंने की थी जिसका नाम मैंने रखा है, जो मैं अपने बोर्ड पे लिखी देता हूं, फाइट अगेंस्ट कोविड-19। आप देखिए कि दिन प्रतिदिन न्यूज में भी दिखा रहे हैं कि जो कोरोना वायरस से पीड़ित जो पेशेंट है उनकी संख्या भारत में हल्के हल्के बढ़ रही है, तो एक हल्के हल्के एक भयावह रूप ले रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस संकट की घड़ी में आपको क्या करना है, आप अपने घर में ही रहें, जो घरों में बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप ध्यान रखें और जो भी हम आपके लिए YouTube पर ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराने जा रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें और अपना सिलेबस टाइम पे पूरा करें। थैंक यू वेरी मच।